स्क्वायर स्प्रिंट्स का लास्ट एपिसोड आ चुका है और मुझे सबसे ज्यादा इस पूरे सीजन में जिसका करेक्टर पसंद आया वो है संदीप भैया। थोड़ी देर के लिए आते हैं और कमाल कर देते हैं, और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है टीवीएफ एस्प्रिंट्स, और साथ ही साथ टीवीएफ उसके साथ हैशटैग संदीप भैया ये भी ट्रेंड कर रहा है, फोर्थ या फिफ्थ नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। और इस फिफ्थ एपिसोड में संदीप भैया का आना और उनका गले लगना अभिलाष के साथ कमाल का था। उनके फिर डायलॉग बोलना, उन्होंने जब बात बताने की सक्सेस की दौड़ में अपने ही लोगों को, अपने परिवार के लोगों को हट करना या उनको सेक्रीफाइस कर देना कहीं पर भी वर्थ इट नहीं है यार, दिल जीत लेता है वो डायलॉग। तारीफ बनती है एस्प्रिंट के मेकर की जो हर चीज के अंदर, चाहे वो डायलॉग हो, चाहे वो परफॉर्मेंस हो, चाहे वो राइटिंग हो, संदीप भैया के जो करेक्टर है उसके लिए जो डायलॉग लिखे गए हैं कमाल के हैं। और जिस तरीके से ये शो को रिप्रेजेंट किया गया है कि प्रेजेंट सिचुएशन तो चल ही रही है, उसके साथ साथ पास्ट की भी चीजें दिखाई जाती हैं और एकदम से वो चीजें सामने आती हैं क्या हुआ था, बहुत कमाल का था कि कब हम प्रेजेंट से पास्ट में चले जाए ये पता ही नहीं चल रहा था, इतना जबरदस्त लग रहा था। एस्प्रिंट वेब सीरीज के टोटल 5 एपिसोड है और इन 5 एपिसोड में मुझे फोर्थ और फिफ्थ एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आए हैं। फोर्थ एपिसोड इमोशनल कर देता है, संदीप भैया जो लास्ट में खड़े होते हैं जब यूपीएससी के प्रीलिम्स का जब रिजल्ट आता है तो संदीप भैया बारिश में खड़े हैं और भीगे हुए हैं और इतना इमोशन उनके फेस के ऊपर देखने को मिलता है, मतलब उनको देखें तो इतना हमारे दिल में दर्द होने लगता है, इतना जबरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया। और फिफ्थ एपिसोड में भी उन्होंने वही जलवा, मतलब कहें कि देखो जब आप देखोगे इस पूरे वेब सीरीज को तो इसके अंदर आप संदीप भैया को बहुत कम पाओगे, उनको स्क्रीन टाइम कम ही मिला लेकिन जितना मिला है किल्ड इट। और केवल संदीप भैया का जो करेक्टर है इन्होंने ही अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की, हर एक करेक्टर ने, हर एक कलाकार ने अपना 100% दिया है। फॉर एग्जांपल कि जो तीनों दोस्त होते हैं अभिलाष, गौरी और एसके, एसके जब ये बात बोलता है अपने दोस्त अभिलाष को कि भाई हम तीनों को कॉलेज टाइम में ट्राइपॉड के नाम से जाना जाता था क्योंकि हम तीनों जो है वो एक साथ खड़े रहते थे, और आज जब एक दोस्त कोशिश कर रहा है तो तू भी कोशिश करना यार, थोड़ा तो कॉर्पोरेट करना, या फिर एक बात ये बोलना कि यार तुम दोनों अभिलाष और गौरी तुम दोनों आपस में ही लड़ते हो, आपस में बात करते हो, तुम लोगों ने तो मुझे अलग कर दिया है। ये जब वो बात बोलते हैं इनके इमोशन पे, मतलब उनके फेस का जो इमोशन देखना यार, सच कहूं इतना जबरदस्त उन्होंने वो कैप्चर किया है, बहुत बढ़िया। और फिर इसी एपिसोड के अंदर अभिलाष और गौरी की जो फाइट दिखाई जाती है इतना जबरदस्त, इतना रियलिस्टिक लगा यार कि जैसे हमारे सामने बिल्कुल चीज सामने हो रही हो, इतना बढ़िया उनको डायरेक्ट किया गया, बहुत बढ़िया। और उनका जब डायलॉग बोलना आपस में एक दूसरे को गुस्से में एकदम स्पीड से, क्या मतलब फ्लो था यार उस चीज में, आंखें खुली की खुली रह गई यार, इतना जबरदस्त उन्होंने वो शूट करके दिखाया हमें, बहुत बढ़िया। और इन सब के बाद सब लास्ट में जब संदीप भैया की एंट्री होती है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के तौर पर, तब तो वो अपनी वो बात बोलते हैं और कहते हैं कि यार ये मैं ये जो चीज जो मैंने पाने के लिए तो मेरी एक सेल्फ रिस्पेक्ट के तौर पर मैंने पानी थी, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि तुमने क्या कर दिया है। कुसुम के बारे में वो बताते हैं कि हाँ कुसुम का मेरा एक रॉकेट था, जब सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाना था तो रॉकेट ने बहुत ज्यादा वहां तक पहुंचाने में हेल्प की थी, और अब जब मैं ऑर्बिट में पहुंच गया हूं तो उस रॉकेट की अहमियत भूल गया हूं। और उसके बाद जो बोलना कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी और मुझसे अभी तक इतना ईगो है कि मुझे उससे माफी तक भी नहीं मांगी अभी तक, तो ये जो वो बात बोलते हैं और उनकी जो वो बात बोलते बोलते उनके जो एक्सप्रेशन है, देखो यार एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा मुझे पसंद आए हैं, तो यार क्या कहूँ उनके परफॉर्मेंस के लिए, सच में कोई शब्द नहीं मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया। इस पूरी सीरीज के अंदर सबसे जो बढ़िया सीन जो मुझे लगा है वो उनका गले लगना, अभिलाष और संदीप भैया का आपस में गले लगना, कमाल का। मैंने बताया कमाल वर्ड कितनी बार बोल दिया, बट क्या करूं, ये सीरीज है इतनी जबरदस्त कि भाई साहब मतलब इनके लिए कमाल वर्ड तो मतलब मुझे लगता है कि छोटी चीज है, बहुत बढ़िया। अगर आप कोई भी अभी तक कुछ भी नहीं देख रहे हैं तो जाकर यार इस एस्पिरेंट वेब सीरीज को देखो और अभी जाकर देखो यार, और अगर कोई देख भी रहे हो तो प्लीज एक बार उसको स्टॉप करो और जाकर इसको देखो। सिर्फ 5 एपिसोड है, अप्रोक्सीमेट 45-49 मिनट के इतने के ही हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। फिफ्थ एपिसोड आई थिंक 40 मिनट का ही है, बहुत बढ़िया है, और कब ये बीत जाएगा टाइम पता ही नहीं चलेगा। मेरी तरफ से इस पूरी वेब सीरीज को मैं देना चाहूँगा 9.5 out of 10 स्टार, 0.5 इसलिए कट कर रहा हूँ ताकि नज़र ना लगे। खैर अगर आप लोगों ने देख लिया तो प्लीज़ कमेंट करना कि आप लोगों को कैसे लगे, अगर नहीं देखा है तो यार किस चीज़ का वेट कर रहे हो। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।